तेरा खंडी परवासी दै बंधु जीराया जागीराया लागी बडूली। हेलो नमस्कार, पहला अक्षमन्या। जब बात हो उत्तराखंड के सुख दुख और जीवन दिखाने या बताने की, तो अक्सर एक नाम सामने जरूर आता है जिन्होंने अपनी आवाज और लेख से यह काम हर बार बखूबी करके दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गण रत्न माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी की। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के सबसे बड़े जिले पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी गांव में हुआ था। नेगी जी ने अपने संगीत की शुरुआत कई तरह से की, लेकिन असल शुरुआत उन्होंने गढ़वाली गीतमाला से की, जिसमें 10 भाग थे जो उनके और उनके प्रशंसकों द्वारा मैनेज कर पाना थोड़ा कठिन था, जिसके चलते उन्होंने अपने इन 10 भागों को कैसेट्स का रूप देने का निर्णय लिया और अपनी पहली कैसेट्स बुरास नाम की लॉन्च कर दी। उसके बाद नेगी जी की आवाज़ और उनके लेख को लोगों द्वारा बहुत सराहा गया, जिससे नेगी जी को और नए और अधिक एल्बम में कार्य करने के लिए चुना गया। 1992 में बरखा, 1993 में छिबड़ाट, 1995 में हल्दी हाथ जैसी कुल 31 एल्बम में लेख और गायन का कार्य किया, जिसमें कुछ सालों पहले भागीरथी नदी पर बना टीरी बांध आपदा पर उन्होंने एक शोक गीत भी लिखा था। यही नहीं, नेगी जी ने नौछमी नारायण गीत से सरकार के खिलाफ खुल के आवाज भी उठाई थी, जो बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके बाद उन्हें पहाड़ों का डालियन भी कहा जाने लगा। डालियन थॉमस वेल्स एक बेहद मशहूर कवि और लेखक है। नेगी जी की आवाज़ केवल कैसेट्स के एल्बम तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी आवाज़ गढ़वाली फिल्मों जैसे चक्रचाल, घर जवाई और कई अन्य फिल्मों में दी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि नेगी जी न सिर्फ केवल एक गायक है, एक लेखक है, बल्कि एक अच्छे कवि भी है, जिसमें उनकी पहली पुस्तक खूंच कंडी यानी कि अरसा और रोट ले जाने के लिए गन्ने से बनाई गई टोकरी, वहीं उनकी दूसरी पुस्तक थी गणिया की गंगा सियाणियों का समुद्र यानी कि कल्पनाओं की गंगा और लालसा का समुन्दर। इसके अलावा उनकी तीसरी पुस्तक जिसका शीर्षक था मुठ बोटी की राख यानी कि मुट्ठी बंद करके रखना और किसी भी परिस्थिति या चुनौती के लिए तैयार रहना। तो ये सभी जानकारी थी जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा कार्य किए गए और काफ़ी बड़े लोगों द्वारा भी इसको सराहाया गया। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको सटीक और ठीक जानकारी नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में मिल पाई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को साझा जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।